देखिए क्या कह रहा है कि इन अ गिवन एपी पीएथ टर्म इज क्यू। जैसे ही बोला कि पीएथ टर्म, पीएथ टर्म का मतलब टी से हो गया तुम्हारा टर्म और पीएथ का मतलब हो गया ये टी, पीएथ टर्म हो गया ये और इसका वैल्यू को वो क्यू दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और डी क्या है तुम्हारा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो ए और डी ही हमारे लिए अननोन है, याद रखना हमारे लिए जो अननोन है वो क्या है, ए और डी है। क्योंकि जब तुमको क्वेश्चन में देता है कि फिफ्थ टर्म इज सेवन, फिफ्थ टर्म इज सेवन, उसी तरह ना पीएथ टर्म इज है क्यू, तो अगर फिफ्थ टर्म इज सेवन देता है तो तुम फाइव को और सेवन को अननोन थोड़ी मानते हो, किसको अननोन मानते हो, ए प्लस फोर डी बराबर सेवन लिखते हो और कहते हो कि ए हमारे लिए अननोन है और डी हमारे लिए अननोन है। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखना है कि ए हमारे लिए अननोन है और डी हमारे लिए अननोन है, बस केवल पी और क्यू हमारे लिए नोन क्वांटिटी है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन मानेंगे, लिखेंगे ऑल्सो, ऑल्सो क्या आगे दिया हुआ है, तो एंड क्यूएथ टर्म इज पी, तो क्यूएथ टर्म का फिर टी पकड़ेंगे और टी के नीचे अगर क्यू लिखेंगे तो ये क्यूएथ टर्म होगा और क्यूएथ टर्म को वैल्यू क्या दिया था, पी दिया था। तो फिर क्यूएथ टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी, क्योंकि जो यहाँ रहता है उसी में से घटाते हैं, दस रहेगा तो नौ होगा, तो दस के समय तो हम माइनस वन कर लेंगे लेकिन क्यू के समय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ये हो गया ए और डी निकालने के लिए क्या क्या होता है, याद करो ए और डी निकालने के लिए क्या क्या होता था, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू घटाया जाता था, वही काम अभी भी करेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो पहला इक्वेशन था हमारा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और इक्वेशन टू था हमारा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और इसके बराबर जो था वो क्यू था और इसके बराबर जो था वो पी था। अब दोनों को घटाना है तो जब हम दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस ये कैंसिल आउट, पी और ये देखो डी कॉमन ले लो तुम, सबसे पहले तो डी कॉमन ले लो, तो ये ऊपर वाला पी माइनस वन तो उतरेगा लेकिन नीचे वाला में क्या होगा कि ये क्यू जो होगा ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो माइनस क्यू बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा। यही स्टेप में बच्चों को दिक्कत होता है, क्या ये स्टेप समझ में आ गया, पी माइनस वन हुआ ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन बराबर यहाँ से हो जाएगा क्यू माइनस पी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर में ये क्यू माइनस पी लिखा हुआ है, सोचो ये क्यू माइनस पी लिखा हुआ है, क्या हम इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो पी और क्यू उल्टा हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, सही बात है ना, याद रख लेना कि माइनस कॉमन लेने से वो फ्लिप हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। कैसे फ्लिप हो जाता है, तो ऐसे देखो ए माइनस बी है, अगर हम क्या करते हैं इसको अगर पलटना है, अगर इसको हमको पलटना है यानी कि बी माइनस ए लिखना है तो हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो अगर उसको पलटना होगा तो एक माइनस बाहर लिख दो उसको पलट दो, उसका क्या लॉजिक है, तो माइनस को अंदर भेजोगे तो बी माइनस में आ ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए में आ जाएगा, तो ए के अंदर प्लस चाहिए बी के अंदर माइनस चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ को अगर हमको फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ गई तो उसको हम कर सकते हैं। वो इसलिए बता दिया गया क्योंकि यहाँ भी पी माइनस क्यू था, यहाँ भी पी माइनस क्यू था, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको कटाने में। अब ज़रा बताओ कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ डायरेक्ट बताओ क्या होगा, कट जाएगा ना, क्या आएगा, वन नहीं माइनस वन, क्योंकि ये माइनस बाहर है, ये इससे कटेगा तो रिजल्ट माइनस वन आएगा,
तो d का वैल्यू हमारा माइनस वन आ गया। अब इक्वेशन वन में इसी d का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा a आ जाएगा। तो इक्वेशन वन क्या है हमारे लिए, तो a प्लस पी माइनस वन और d का वैल्यू आपको रखना होगा माइनस वन और बराबर q। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आया, इसको अंदर अगर भेजे तो a माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन और बराबर q, यानी कि a का वैल्यू हो गया हमारा कितना, p उधर जाएगा तो p प्लस में, q प्लस में और वन उधर जाएगा तो माइनस वन में। तो a का वैल्यू ये हो गया और d का वैल्यू यहाँ आया हुआ है। अब a और d निकल गया तो इस AP का कुछ भी निकाला जा सकता है, जो भी पूछा जाए सारा का सारा कहानी निकाला जा सकता है। तो हमसे पूछा था कि सो दैट द nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस एन, आप ये बात प्रूफ करो कि इसका nth टर्म जो होगा, nth टर्म का मतलब tn, tn जो टर्म होगा हमको प्रूफ करना था कि ये होगा। तो एक काम करते हैं, हम nth टर्म निकाल देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ, नाउ का मतलब अब, tnth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, क्योंकि यहाँ n है तो n में से घटाएंगे। अब यहाँ पे अगर tn का वैल्यू ये है तो a का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है क्या, हम बोले थे ना कि p और q अननोन नहीं है मेरे लिए, तो ये अननोन की तरह नहीं ट्रीट करना है, प्लस n और माइनस वन, प्लस n माइनस वन और d का वैल्यू माइनस वन, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू माइनस वन। अब चलिए इसको तोड़ते हैं ज़रा, तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस वन, आइए अंदर आएगा तो प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस प्लस वन, तो ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका tnth टर्म चमक गया होगा अब, p प्लस क्यू और माइनस n, यही ना प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए प्रिंट कर लीजिए।